जब मैंने ये ट्रिक अपने बेटे से शेयर की है तो क्यों ना आप लोगों से भी शेयर करूं। अब मैं आपको 2 से लेके 9 तक के अगर नंबर्स इस जगह पर हो तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे उसके लिए ट्रिक बताती हूं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस शिक्षा वाली। अगर मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है टेबल ट्रिक्स और फास्ट मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का अल्टीमेट वीडियो। सो टुडे बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। एक बार क्या होता है, मैं अपने बेटे के साथ शॉपिंग पे गई थी, तो हमने शॉपिंग कर ली, कुछ आइटम्स परचेज किए। उसके बाद जब बिलिंग का नंबर आया तो मैंने अपने बेटे से कहा कि कैलकुलेट करो हमें कितना पे करना है। तो मैंने जो भी आइटम्स लिए थे उसके कॉस्ट को उसे आइटम्स से मल्टीप्लाई करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। वहाँ तो मैंने बिल पे कर दिया खुद से कैलकुलेट करके, लेकिन मैंने सोचा कि अगर ये अभी नहीं कर पा रहा है, अभी तो मैं हूँ साथ में, फिर बाद में ये कभी खुद से कुछ लेने गया तो ये नहीं कर पाएगा कैलकुलेट कि कितना पे करना है मुझे, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, एक ट्रिक बनाई, वो मैंने उसको सिखाई। अब वो आराम से कैलकुलेट करके कोई भी सामान ले आता है। तो मैंने सोचा कि आप लोग भी मेरी फैमिली हैं, जब मैंने ये ट्रिक अपने बेटे से शेयर की है तो क्यों ना आप लोगों से भी शेयर करूं। तो आज वही ट्रिक है कि आपको अगर कोई भी यहां पर नंबर है, सपोज कीजिए कोई भी नंबर है ए बी सी डी, ये नंबर है मतलब ये 1 डिजिट का भी हो सकता है, 2 डिजिट, 3 डिजिट, फोर डिजिट, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर आपको उसकी मैं मल्टीप्लाई बता दूं 1 से लेके 10 तक के नंबर से ट्रिक बता दूं। 1 से किसी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज कीजिए यहां पर कोई नंबर है, मैं सपोज कीजिए यहां पर 150 बता दूं, 150 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 150 ही आएगा। नंबर इटसेल्फ आता है जब 1 से करते हैं। फिर अगर 10 से करते हैं तो जो नंबर होता है उसमें एक जीरो और लग जाता है। 1 और 10 क्लियर है। अब मैं आपको 2 से लेके 9 तक के अगर नंबर्स इस जगह पर हो तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे उसके लिए ट्रिक बताती हूँ, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको टेबल ट्रिक्स बताई है 1 से 10 और 11 से 20 की, वो भी देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है और उसमें मैथ फैक्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है ना। अब देखते हैं, सपोज कीजिए हमारे पास कोई भी 2 डिजिट्स नंबर है, मैं भी आपको 2 डिजिट के, 3 डिजिट के, 4 डिजिट के सबके एग्जाम्पल करके दिखा दूंगी, फिर आप जीनियस। देखिए सपोज कीजिए हमारे पास 43 है, 43 की हमें 6 से मल्टीप्लाई करनी है और 67 है उसकी हमें 7 से मल्टीप्लाई करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 43 है इसको आपको ऐसे ब्रेक करना है कि ये नियरेस्ट टेंस बन जाए। 4 को ऐसा, 43 को ऐसा ब्रेक करो कि नियरेस्ट 10 बने। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 40 प्लस 3, ठीक है, 40 प्लस 3 क्या होगा, 43, ठीक है। अब 40 की 6 से मल्टीप्लाई, 3 की 6 से मल्टीप्लाई, देखो 4 6 240 आप मेंटली कर सकते हो, प्लस 6 3 18 क्या आ गया, 258। आई होप आप समझ गए कितना आसान है। ऐसे यहां देखो 67 को नियरेस्ट टेंस में ब्रेक करो, 60 प्लस 7, 60 into 7, 7 into 7, 7 6 are 420 और 7 7 are 49, ऐड कर दो जरा, 420 plus 49, 469। देखो ऐसे ज्यादा इजी है, ऐसे ज्यादा इजी है, आई थिंक दिस इज मच इजियर, आप मेंटली फटाफट कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। आप देखते हैं 3 डिजिट नंबर का, नाउ देखिए 7 डिजिट नंबर, वो 3 डिजिट नंबर है उसकी कैसे करते हैं।
786 को आप ऐसे एक्सपेंड करिए, आपको एक्सपेंड करना है, ठीक है। ये ऐसे ही आ गया 6, ये आ गया 80 प्लस 700, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना आता है, ठीक है। इजीएस्ट वे में समझ लीजिए, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। फिर आप इसकी 6 से कर दो, इसकी 6 से कर दो, इसकी 6 से कर दो, सबको जोड़ दो। 7 6 4 2 0 0, 8 6 48 36, जोड़ो जरा। 6 1 का 1 यहाँ 4 7 1 6। आई होप आप समझ गए कैसे करना है हमको। नाउ अब देखिए, आप एक नंबर जिसमें जीरो भी आ रहा हो, देखो 8 0 5 into 5, अब क्या करेंगे, कोई बात नहीं, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दो, ये तो जीरो हो गया, ये 5 हो गया, into 5 into 5 into 5, कोई बात नहीं है। नाउ 4 8 5 40, 0 0, ये तो जीरो है ही, ये क्या हो गया, 5 5 25, आंसर आ गया 4 0 2 5। आई होप आप समझ गए हैं क्या करना है। अब एक हम 4 digit का भी देख लेते हैं, ठीक है। नाउ सी दिस, 1952 into 8, 4 digit नंबर है, इसकी 8 से मल्टीप्लाई करनी है, एक्सपैंड करो जरा, 1950 plus 2, एक्सपैंडेड फॉर्म क्लास 1 से पढ़ रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपैंड करके लिख लो, सबकी 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 into 8, ये क्या हुआ, 8,000, 8 9 72, 5 8 40, 8 2 16, देखो क्या आएगा, 6 1 4 5 6 और 8 7 1 5 6 1 6, इसका आंसर आ रहा है 1 5 6 1 6। आई होप आप समझ गए, कितना ही बड़ा नंबर हो आपको अगर 1 से लेके 10 तक किसी भी नंबर से उसकी मल्टीप्लाई करनी है, आप विद इन सेकेंड्स कर देंगे। नाउ आई मूव टू मैथ फैक्ट। नाउ टुडेज मैथ फैक्ट इज, सपोज कीजिए आपको 2 नंबर की मल्टीप्लाई करनी है, 8 into 11, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये 8 होता है, ये क्या होता है, मल्टीप्लिकेंड, और ये क्या होता है, सबको पता है या नहीं पता है, नहीं पता है तो ध्यान से देखिए, ये मल्टीप्लिकेंड, ये मल्टीप्लायर, इनकी जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। अब आज का फैक्ट ये है कि अगर हम 2 नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये मैटर नहीं करता है कि कौन सा नंबर पहले आए कौन सा बाद में आए, मतलब अगर आप 8 into 11 करेंगे तब भी 88 आएगा और 11 into 8 करेंगे तब भी 88 आएगा, मतलब मल्टीप्लीकेशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो होती है, कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव में क्या होता है, A into B is equals to B into A, मतलब 8 into 11 भी 88 आएगा, 11 into 8 भी 88 आएगा, isn't it interesting? तो मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की, कोई भी नंबर पहले आए कोई भी बाद में आए आंसर सेम आएगा, ठीक है। सो इन दिस आई हैव टोल्ड यू अल्टीमेट टेबल ट्रिक, और यू कैन से फास्ट मल्टीप्लीकेशन ट्रिक। आप लोग मेरे वीडियोस वॉच कीजिए, टेबल ट्रिक्स भी वॉच कीजिए। थैंक यू, बाय, हैव अ लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। बाय बाय, हैव अ लर्निंग।